द सोशल मीडिया, तो मुझे उसके ऊपर एक लव स्टोरी मैंने पढ़ी एंड आई डिडंट नो दिस, तो आई वांट टू शेयर इट विद यू के देयर वाज एक बहुत ही रईस आदमी था, उसकी बेगम बीमार हो गई. अब उसे बहुत डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा था. किसी डॉक्टर ने ये कहा कि भाई इनको आप ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे समंदरी हवा हो. तो उस रईस आदमी ने एक बहुत बड़ा पैलेस अपनी बीवी के लिए जो कि तामीर करवाया, और जयपुर उसका आर्किटेक्चर जो था वो जयपुर का था. इट वॉज ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेस उसने अपनी बेगम के लिए तामीर करवाया ताकि उनकी बेगम जो हैं ज़रा समंदरी हवा के करीब रह सकें और तंदुरुस्त हो सकें. आई एम श्योर आप लोग समझ रहे होंगे, ज़्यादातर लोग समझ रहे होंगे शायद मैं ताजमहल की बात कर रही हूँ. नहीं, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि वो तो बेगम की याद में बनाया था, शायद उस मरने के बाद याद में बनाया था. बट ये जिस पैलेस की मैं बात कर रही हूँ वो है मोहट्टा पैलेस हमारे कराची में जो है. और अगर आपने उसको देखा है या उसकी तस्वीरें देखी होंगी तो आप अग्री करेंगे कि उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है. इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ये मोहट्टा पैलेस जो है वो बेगम के इलाज के लिए बनाया गया था. और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमारा दफ्तर खारजा का जो दफ्तर था वो भी यहाँ पर था, और फातमा जिना की रेजिडेंस भी थी. और जब उनकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद इसको म्यूज़ियम बना दिया गया. तो देखिए, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो क्या कुछ करते हैं उसके लिए. एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, उसकी ज़िंदगी में उसको बता दें तो वो बेहतर है, ना कि बाद में उसकी याद में आप ताजमहल तामीर करें. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया वास्ती. बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को क्लिक करना ना भूलें.